हेलो जी। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी सी सूजी की मिठाई। तो ये मिठाई बनी हुई है सूजी से और ये झटपट से तैयार हो जाएगी। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे घी। मोटे तले की हमें कढ़ाई लेनी है, उसी में हमें घी डाल देना है। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप सूजी। सूजी हमें बारीक वाली यूज़ करनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसको एक बार मिक्सी में चला करें जिससे कि वो बारीक हो सके। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको इतना पकाना है कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। बीच बीच में जो चमचा है इसको भी हम झाड़ते रहेंगे, जो इस पर सूजी चिपकी हुई है वो भी निकलती रहे। तो इस तरीके से हमें इसको लगातार चलाते रहना है। ये जो मिठाई है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने आपके साथ सूजी के लड्डू भी शेयर किए हैं पिछली वीडियो में, और आज हम सूजी की मिठाई बनाएंगे। तो फटाफट से रेडी हो जाएगी और सबको बहुत पसंद आएगी। बस यहाँ पर सूजी हो चुकी है बढ़िया तरीके से, इसका कच्चापन निकल चुका है। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ़। यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 कप दूध। इसमें हम डालेंगे दूध की मलाई। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मलाई। ये मलाई ले ली है हमने और अब हम इसको डालेंगे दूध में। तो दूध में हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर दूध में डाली है 4 चम्मच मलाई। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस सूजी के अंदर डालेंगे हम दूध और मलाई का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है। और अब हम इसको डाल देंगे सूजी में। ठंडा हमें नहीं डालना है, नहीं तो गांठे बहुत जल्दी पड़ जाएंगी इसमें। हल्का सा गर्म हमने दूध और मलाई को कर लिया है, उसी के बाद हम इसमें डाल देंगे और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े। वैसे तो गर्म दूध है तो गुठलियाँ कम ही पड़ेंगी। तो लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। और अब आप सोच रहे हैं तो हलवा बन रहा है, पर ये हलवा नहीं बन रहा है, ये टेस्टी सी मिठाई बनके रेडी हो जाएगी। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो चुकी, फ्लेम हमारी ऑफ है। यहाँ पर हम बनाएंगे चाशनी। हमने ले लिया है 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी। जितना पानी होगा उतनी ही सूजी लेनी है। दोनों चीज़ें बराबर लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है इलायची पाउडर। बॉईल अच्छा सा आ चुका है। जो हमारी चाशनी अच्छे से गाढ़ी होनी चाहिए। हर बार हम बनाते हैं चाशनी बिना तार की, पर इस बार हमें अच्छे से गाढ़ी चाशनी चाहिए। तो हमने थोड़ी सी चाशनी डाल दी है पानी में। अब उसको हम निकाल के दिखा देते हैं आपको किस तरीके से हमारी जो चाशनी इस तरीके से चिपचिपी होनी चाहिए, मतलब कि हमें 3 तार की चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर सूजी को हमने एक बार और फिर से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम गर्मा गर्म चाशनी, क्योंकि ये चाशनी थोड़ी देर में और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए साथ साथ हम इसको डाल देंगे सूजी में और लगातार इसको चलाते रहेंगे स्लो फ्लेम पर। तो ये धीरे धीरे चाशनी जो है सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी चाशनी को और ये थोड़ी देर में गाढ़ा होने लगेगा। तो इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी सूजी का बैटर जो है उसको हमने डालकर देखा है, ये अच्छे से बन रहा है। इस तरीके से हम एक बार चेक कर सकते हैं, ये अच्छे से चिपक रहा है आपस में, अच्छे से बंध रहा है। तो अब हम इसकी कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसको हल्का सा और चला लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे थाली में ट्रांसफ़र। उसके लिए हमें थाली में सबसे पहले अच्छे से घी लगा लेना है। आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे थाली में, थाली का यूज़ कर सकते हैं फिर किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको मिठाई बनानी है। तो इसको हम डाल देंगे थाली में जिसमें हमने घी लगाया है, घी ज़रूरी लगाना है। अब पूरी कढ़ाई में से हम अच्छे से निकाल लेंगे चमचे की हेल्प से, क्योंकि भाई हम तो कोई चीज़ वेस्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने फटाफट से इसको निकाल लिया है। और ये मिठाई जो बनेगी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, सूजी के लड्डू भी मैंने बनाकर शेयर किए हैं। तो यहाँ पर हमने मिठाई को चम्मच की हेल्प से बराबर कर लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो मूंगफली भी डाल सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठंडी होने के बाद हम इसको कट करेंगे। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी जो मिठाई है ये बनकर तैयार हुई है, आराम से कट भी रही है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब खाओ पियो मजे करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।